मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग इंडिया में तो है मुझे बहुत पसंद, बट क्या यहाँ बैंकॉक में वो आएंगे मुझे पसंद? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर चैलेंज, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन रात सुबह और शाम सारा का सारा फास्ट फूड। सिखम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के फूड चैलेंज में डिसाइड करेगी ये चिट्स कि मैं कौन से फास्ट फूड चेन में जाके खाना खाऊंगी। वैसे तो पता है सुबह सुबह मेरा मन ये स्टारबक्स जाने का था, कॉफी चाहिए तो कुछ पी नहीं, स्टारबक्स जाके कॉफी पी लेती और ये ग्लास भी ना मैं उनसे उधार मांग के आयो। तो आई होप सबसे पहले ब्रेकफास्ट में ना ये स्टारबक्स निकल के आ जाए। तो चलो अभी चिट्स घुमाते हैं। घूमो 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 घूमो। ओके, कौन सी निकालू? ये निकाल लेती। ओके, आई होप स्टारबक्स आए, स्टारबक्स आए। क्या आया है? ये आया है मैकडॉनल्ड। वैसे तो मैकडॉनल्ड का भी ब्रेकफास्ट अच्छा ही होता होगा यार। चलो यहाँ पे देखेंगे बैंकॉक का मैकडॉनल्ड कैसा है। आ जाओ। ओ गाइस, मैकडॉनल्ड के अंदर तो आ गई, बट यहाँ तो कोई ऑर्डर लेने वाला नहीं है, यहाँ कंप्यूटर पे मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो चलो ढूंढते हैं कि मैं क्या खाऊंगी। भाई मैकडॉनल्ड आए तो बर्गर तो खाऊंगी ना सबसे पहले। ओके ओके ओके, बगा बगा, ऑलराइट। बीफ, फिश, अरे यहाँ तो वेजिटेरियन बर्गर ही नहीं है। जॉ ढूंढती, टिडबिट्स तो खा लूँ, भूख तो बहुत लग रही है मुझे। स्नैक्स, स्नैक्स में ओके, फ्रेंच फ्राइज है। अरे गाइस यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, वेजिटेरियन तो ऑप्शन ही इतने कम है यहाँ पे। ओके, फ्रेंच फ्राइज तो मैं ले लेती हूँ, और उसके अलावा चीज स्टिक, आई होप इसमें चीज़ पुल आएगा। चार पीस मेरा अकेले के लिए तो ठीक ही है। ओके, डन 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 डन। सो गाइस माय ब्रेकफास्ट इज हियर, जो जो ऑर्डर करा था सारा कुछ आ गया। सो गाइस यहाँ पे देखिए, ये है मेरे पास कॉर्न पाए। चलो निकाल के दिखाती हूँ कैसी है ये। हे, ओ वाओ, दिस लुक्स अमेजिंग। साथ में है मेरे पास आइस कॉफी और यहाँ पे ओके 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 गाइस, ये इसके अंदर इन्होंने जो है चीज स्टिक रख दी। मुझे लगा इन्होंने ना मुझे दो दो कॉफियाँ दे दी। और गाइस ये है मेरे पिज्जा शेकर फ्राई, देखना। ओ ओ ओ वाओ, प्राइस तो ना सच्ची बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। पर सबसे पहले ना, सबसे पहले तो मैं खाती हूँ ये। ये है कॉर्न, कॉर्न 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 पाए, कॉर्न पाए। चलो सॉस लगाई जाए। ओके, अरे गाइस इसमें मीठी निकल गई। हमारे इंडिया में तो कैसे वो मैक पफ आता है ना, मैक पिज्जा पफ, वो कितना अच्छा होता है यार। और ये तो मीठा निकल गया, मतलब अब ये करती हूँ, थोड़ा सा फ्राइज ही खा लेते हैं। फ्राइज चाहे कहीं भी खा लो, मुझे ऐसा लगता है मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हमेशा अच्छे होते हैं। ओके, अब बढ़िया चीज स्टिक खाने की, अभी देखती हूँ इसमें चीज फुल आता है कि नहीं। ओ आया 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 सरदार, ये देखो कितना बढ़िया चीज फुल आया है। ब्लैंड सा है, बट इसकी चीज फूल के लेना मैं इसको पूरा नंबर दूंगी। आप अपने ऊपर से नमक वमक ऐड कर लेना गाइस। गाइस मैं तो बिल्कुल चीनी नहीं पड़ी। सब लोग यहाँ पे डाइट पे रहते हैं क्या? मैं तो बिल्कुल भी डाइट पे नहीं रहती, इनसे लगता है मुझे चीनी मांगनी पड़ेगी। लेकिन पता है ये ब्रेकफास्ट मुझे पूरा का पूरा पड़ा 600 रुपए का, जिसमें से सिर्फ मुझे फ्राइज अच्छे लगे हैं और चीज स्टिक थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी है। मुझे लगता है मेरे गाइस पैसे वेस्ट हो गए सुबह ब्रेकफास्ट में। चलिए अब है भाई लंच टाइम की बारी, तो लंच खाने के लिए क्या करना है, इसमें से निकालनी है चिप्स। तो चलो अभी इसको रोटेट कर दे, आवड़ा कर दे, आवड़ा कर दे, घुम 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 घुम, ये उठाती हूँ। चलो ओके, कुछ ऐसा ना जिससे ना मेरा पेट भर जाए। गाइस सुबह तो बेवकूफ बन गई थी। है? है? अब ये गाइस तो डोमिनोज आया। वैसे गाइस इतने दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे तो आज तक डोमिनोज नहीं दिखा। ये डोमिनोज की बर्जी जान मुझके डाल लेना आपने। मेरी तो चैलेंज के अंदर चैलेंज ही होती चली जा रही है, तो वेस्ट खाना ढूंढो, ऊपर से डोमिनोज ढूंढो। सो गाइस बहुत मशक्कत करने के बाद फाइनली मुझे मिला है ये एक डोमिनोज। एंड पता है ये डोमिनोज भी होटल के अंदर है। हमारे इंडिया में तो हर गली कूचे में डोमिनोज 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 होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड गाइस ये देखो यहाँ पे इनके कितने सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं, उसमें पिज्जा की फोटो भी बनी है। आई होप यहाँ पे मुझे वेजिटेरियन पिज्जा मिल जाए तो आई हाय मजा आ जाएगा। चलो चल के देखें। सो आई वॉन्ट दिस लार्ज पिज्जा, क्लासिक हैंड टॉस वन एंड वन गार्लिक ब्रेड वेजिटेरियन, नो चिकन नो मीट नो फिश वेजिटेरियन, वन कोका कोला 1.25 लीटर, वन चीज सॉस, ओके ऑल वेजिटेरियन, थैंक यू। फाइनली मेरा ऑर्डर हो गया, अभी देखती हूँ बिल कितने का बनाती है ये। गाइस
सिर्फ 660 रुपए में पूरे का पूरा मेरा लंच हो जाएगा। क्या बात है। सो गाइज माई पिज्जा इज रेडी, पर सबसे पहले आपको पिज्जा नहीं, आपको दिखाऊंगी ये गार्लिक ब्रेड। अरे खुल जाओ। ओके ये गाइज मुझे इसमें लगता नहीं, अरे ये तो बिल्कुल हल्की एकदम पेपर जैसी हल्की लिफाफिया, इसके अंदर लगता है कुछ भरा हुआ नहीं है गाइज, हल्की फुल्की है। और अब पिज्जा की बारी है, देखो देखो। ओ लाला क्या पिज्जा है, ओ माय गॉड। पता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ बैंकॉक के अंदर इतना बढ़िया पिज्जा, मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही, तो खाने में आई एम श्योर यहाँ पे अच्छा होगा। एंड ये है, ये कोल्ड ड्रिंक देखो कितनी बड़ी मैंने ऑर्डर कर दिया बुकर की तरह, एंड इंडिया की तरह यहाँ पे भी मसाले वसाले देखे खूब सारे देते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने ली है ट्रफल चीज सॉस। अरे बाबा इसमें से तो तेल टपक रहेगा, कुछ है कि नहीं है। इसमें तो शादी, इसमें तो कोई चीज ही नहीं थी। डिप डिप डिप, अच्छी निकलना। जो गार्लिक का जो स्वाद है, लेकिन जो स्टफ गार्लिक ब्रेड होती है ना, जो हमें इंडिया में मिलती है, उसकी बात बिल्कुल अलग है। अब मैं खाऊंगी पिज्जा। पिज्जा हाय हाय, आ जाओ। गाइस डोमिनोज में ना तो इंडिया में चीज़ पुल निकल रहा है, ना यहाँ बैंकॉक में भी चीज़ पुल निकला, चीज़ का तो नामो निशान नहीं है। डाली तो थी इन्होंने चीज़, मैंने देखा था, पर कोई बात नहीं, खा के बता दूँ कैसा है। पिज्जा वाकई बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के ना इसके स्वाद को थोड़ा सा इटालियनो और इंडियन आए सब कुछ कर लेती हूँ। जानते गाइस यहाँ बैंकॉक में मेरे साथ कौन आया है, वो देखिए यहाँ पे आया है मेरा दोस्त अभी मनु जैसे शर्मा के यहाँ बैठा है, और ये सोच रहा है कि कब मैं जल्दी से शूटिंग खत्म करूँ और ये सारा पिज्जा ये गरम करवा के वापस खाएगा। खाओगे ना? भूख लग रही है। हाँ चलो अभी अभी का इट्स स्नैक टाइम गाइस, और एक बार फिर बारी आ गई है ये चिट निकालने की, जिन्होंने जकड़ के रखा है मेरा खाने का फ्यूचर। तो चलो करते हैं, गोल गोल घूमो। मामा, ये निकालती हूँ, चलो ओके। देखो क्या आया। ऑल राइट KFC, तो चलो देखते हैं कि KFC में हमें वेजिटेरियन खाना क्या मिलेगा। आ जाओ। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ का KFC तो कितना बड़ा है, हमारे इंडिया में तो KFC बड़े छोटे छोटे होते, बट इतना बड़ा KFC। तो चलो ये KFC वाले चाचा के पास देखते हैं हमारे लिए खाने को कुछ मिलता है कि नहीं। हाय चाचा, कमोन। सो गाइस यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से मुझे दिख रहा है कि कुछ भी वेजिटेरियन मिल रहा है, वो बन दिख रहे हैं, अदरवाइज तो यहाँ तो सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। ये क्या मतलब है यार, थाईलैंड के अंदर वेजिटेरियन खाना क्यों नहीं मिल रहा मुझे। हाय स्वादिका, ओके यू हैव वेजिटेरियन फूड? Vegetarian food? Little vegetarian, yeah. That bun? Oregano bun? Oh, we don't have the vegetarian food. Huh? No, you have that oregano? We just have the coleslaw. Just have the coleslaw? Yeah. Okay, one coleslaw. And that oregano bun? Oregano bun is vegetarian is okay. One egg tart. And one pinky milk. सो गाइज माई स्नैक्स आर हियर। सो सबसे पहले देखिए ये है इनका कोल्ड फ्लो, जो अभी मैं खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है। इतनी ताकत लगाने के बाद खुला है। ये देखिए, ओके बाबरे, अभी मेरा कोल्ड फ्लो भुभक के बाहर आ गया था कोई। एंड और साथ में देखिए ये है मेरे पास ये सूखा बन। सो गाइज ये है देखो, हाय कितना क्यूट सा एकदम गर्मा गर्म ये एग टार्ट है गाइज, देख रहे हैं गुई गुई वैसा लग रहा है। एंड ये एकदम फ्रेश बनाते हैं, तो इसके लिए आपको 10 मिनट वेट जरूर कराते हैं, बट आई थिंक ये अच्छा होगा क्योंकि ये फ्रेश बना हुआ है। एंड गाइज साथ में एक ड्रिंक ली है मैंने, जिसका नाम है ये पिंकी मिल। अभी जो शरबत है ना, पहले तो सबसे पहले वही ट्राई करूँगी मैं कि किसका है, स्ट्रॉबेरी का है, रोज़ का है। ये रोज़ मिल्क और ये अच्छा है। अब ये बन खाती हूँ, वैसे ये जो बन है ना गाइस, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सूखे कंकड़ बन मैं खाऊं किसे। ये बहुत ही सूखा, ये देखो इतना ड्राई, एकदम ऐसे ड्राई पत्थर की तरह, ये देखो एकदम ड्राई। ये मुझे लग रहा है थोड़ा फ्रेश बना होगा। ये कोल्ड फ्लो अच्छा है और एकदम ठंडा भी है। ओह माय गॉड, ये पक गया ना पूरा, कच्चा तो नहीं है। अरे बाप रे बाप, अरे अरे हाँ ये तो पक गया, अरे भाई धुआं निकल रहा है इसमें से।
ये तो अच्छा दिख रहा है मुझे गाय, थोड़ा केक की तरह हो तो मजा आएगा। ये अच्छा है क्योंकि पता है क्या, ये थोड़ा मिट्टू मिट्टू है ना, मीठी मीठी चीजें तो मुझे वैसे ही अच्छी लगती है। कुल मिला के 300 रुपए में ये ओके ओके है। सो गाइस, केएफसी के बाद मैं आ गई हूँ सियाम पैरागन मॉल। यहाँ पे इतना गजब का मॉल है, इतने सारे फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और सब कुछ है। यहाँ मेरा फेवरेट मैक का भी शोरूम है जहाँ से मैं शॉपिंग करूँगी। डिनर में क्या खाना है वो तो पता करें। सो गाइस, यहाँ पे बची हम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो पर्चियाँ जिसकी मैं इन्नी विन्नी वाइना वो करती जाऊँगी। ये वाली तो चलो ये ले लेती हूँ। चलो तो इसको डालो वापस डब्बे के अंदर और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। कुछ अच्छा निकलना प्लीज प्लीज प्लीज। उल्टा निकल गया। ओह, बर्गर किंग। गाइस, सुबह से मैं वेट कर रही हूँ कि मैं बर्गर खा लूँ। अब आई होप ये वेजिटेरियन बर्गर बर्गर किंग में तो मिल जाना चाहिए। तो चलो अपना लक जो है हम ट्राई करेंगे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ मॉल के फूड कोर्ट में और यहाँ पे दिख गया है मुझे बर्गर किंग, क्योंकि अभी बर्गर किंग में डिनर करना है। एंड गाइस, मैं बहुत खुश हूँ कि वो देखो वहाँ सीधे दिख गया है मुझे एक वेज बर्गर। चलो चलो जल्दी से ऑर्डर करें। हैव वेजिटेरियन बर्गर, plant based, this is veg, no meat, no fish, no chicken, this is veg burger, okay, one of this Wooper Junior and one truffle fries. और guys, पानी अब पीने में क्या लूँ, सुबह से तो कोल्ड ड्रिंक पी पी के मैं थक चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मैं पानी ले लेती हूँ। एंड वन बॉटल वाटर। इन्होंने ना पैसे देने में 6-7 बार काउंट कर लिया है। मैं भी कर लूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी कर लेती हूँ। ये सिक्के तो रख देती हूँ इधर, 1, 2, 3, 4, 5। अरे अरे सही करा, ये तो टेप लगा यार, इंडिया की तरह यहाँ पे भी टेप लगे नोट देते थे। देखो जरा यार, अभी 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 गड़बड़ हो जाती। एक्सक्यूज मी, कैन यू चेंज द नोट टेप, गिव मी अनदर वन, शी गेव मी न्यू नोट, दिस इज टेप, इट्स टेप। गाइस, यहाँ पे भी घपले हो जाते हैं। ओ, नोट बदलने के लिए तो मैनेजर साहब आ गए। ओ, आई थिंक दे कांट ओपन द काउंटर अगेन। थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे पास एकदम कड़क नोट आया है। सो गाइस, मेरा वेज खाना आ गया एंड फाइनली मेरा वेज बर्गर आ गया। चलो एक बार चेक कर लूँ वेज है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी इन्होंने। ओके। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा वेज बर्गर दिख रहा है यार, देखो क्या क्या अंदर भरा है। अब गाइस, बस जरा से टमाटर प्याज और ये लेटेस्ट तो मुझे लग रहा है सौगी हो गई होगी। और ये तो केचप भी डाल दिया। चीज तो इन्होंने डाली नहीं, क्यों ऐसे कि इतने सारे पैसे ले लिए और चीज भी नहीं डाली। अभी पता चलेगा कैसा बनाएंगे। और साथ ही में यहाँ देखिए, ये सुंदर मुंदर दिख रही है ट्रफल फ्राइज, ये बड़ी फ्रेग्रेंट और एरोमेटिक है। और साथ ही में पानी, पानी का काम तो पानी करता है ना, इसलिए मैंने पानी ले लिया, वो भी 20 भाट का। ये तो बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ रहा है इनकी पैटी। ये पैटी में तो दम ही नहीं है गाइस, देखो ये देखो कैसी इन्होंने सोया की पैटी बना दी है, बिल्कुल ही बेकार सी। उसके अंदर बारबेक्यू का फ्लेवर इन्फ्यूज़ कर दिया इन्होंने। हमारे इंडिया में तो गाजर, मटर, आलू और तरह तरह की सब्जियां डाल के पैटी बनाते हैं, इसमें तो स्वाद नहीं है लगता। लास्ट में भी मेरा बेवकूफ भी कटे चला जाएगा, खाना अच्छा नहीं मिला मुझे। अभी फ्राइज खा के देखती हूँ कैसी है। आ जाओ, ये अच्छी दिख रही है। जो ट्रफल फ्राइज वाकई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग है। मुझे लगता है फ्राइज खा के ना मुझे अपना पेट भरना पड़ेगा और साथ ही में ये पानी पी के पेट और पूरा फुल करना पड़ेगा। ये बर्गर अभिमन्यू खा लेगा साइड में ही बैठा, याद देखो। ये मेरी अलग वीडियो बना रहा है बैठा। अभिमन्यू तुम खा लेना, प्रोटीन है, सोया है, प्रोटीन ये बॉडी। ये नहीं, मैदा वैदा सब ठीक है। अरे एक टमाटर है इसमें। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस, और अब बची है ये लास्ट पर्ची जो मैंने ऑलरेडी खोल के रखी है। तो पता है इसके अंदर क्या है? सड़ा, ये है स्टारबक्स। देखिए वहाँ स्टारबक्स के पास तो मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, तो चलो चल के देखते हैं कि स्टारबक्स में मैं क्या डिजर्ट खाने वाली हूँ। आ जाओ। सो गाइस, माय डिजर्ट इज हियर और ये है एक्सप्रेसो चॉको चिप ब्राउनी। सो जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए, इसके ऊपर कैरामेलाइज्ड क्रीम है, नीचे ब्राउनी है और ये है व्हिप क्रीम। दिस लुक्स एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। अब है टेस्ट टेस्टिंग टाइम। ऑल राइट, ओ अरे ये बॉल ना गिर जाए, ये बॉल ना गिर जाए गाइस, तीनों चीज़ें एक साथ आ गई। वाओ, ये
दिस आइस क्रीम इज सो गुड, बट जो उनका ब्राउनी है ना तो मुझे हल्का सा हार्ड हार्ड लग रहा है, मुझे लगता है इन्होंने ना फ्रेश ब्राउनी बना के मुझे नहीं दिया, पुराना रखा हुआ कोई दे दिया मुझे। आई होप आज का फास्ट फूड फॉर 24 आवर्स चैलेंज आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट चैलेंज में, बाय।